दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे कूल टॉयज जो कि हो सकता है आपने इससे पहले ना देखे हो, यानी कि ये होंगे काफी ज्यादा डिफरेंट और एकदम ब्रांड न्यू। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना कतई मत भूलिएगा। नंबर 8, फ्लाइनोवा प्रो। दोस्तों बचपन में हम सभी लोग कैचम कैच खेला करते थे, लेकिन समय के साथ साथ अगर आप इस खेल को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं इस तरीके की बॉल को। दोस्तों दरअसल ये एक तरीके का ड्रोन होता है जो कि एक बॉल के अंदर रहता है और ये हवा में उड़ता है जब आप इसे हवा में फेंकते हैं तेजी से। दोस्तों ये आपकी तरफ वापस भी आएगा जिस स्पीड से आप इसे थ्रो करते हैं, यानी कि बहुत स्लो मोशन में ये मूव करता है जिसकी वजह से आप अच्छी खासी मस्ती कर सकते हैं छोटी सी ड्रोन बॉल से। इसके साथ बच्चों को खेलना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, ये अलग अलग कलर्स में देखने को आपको मिलेंगे। तो अगर आप भी अपनी कैचम कैच को स्पेशल बनाना चाहते हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। नंबर 7, एयर होस फ्लाइट राइडर। दोस्तों जो टॉय बाइक्स आते हैं उन्हें आप जमीन पर तो दौड़ा सकते हैं जिससे कि आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आपने उड़ने वाली बाइक आपने इससे पहले हो सकता है ना देखी हो। लेकिन दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा आरसी टॉय होता है जिसका इस्तेमाल आप जमीन पर चलाने के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें रोटर फैंस लगे होते हैं जिसकी मदद से ये हवा में भी उड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी टॉय बाइक होती है जो कि हवा में भी उड़ पाएगी और साथ ही साथ जमीन पर भी चल पाएगी। इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके साथ दिए गए रिमोट कंट्रोल से, साथ ही इसमें नीचे की तरफ एलईडी लाइट्स भी लगी रहती है जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लगती है देखने में। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके की बाइक का मजा लेना और साथ ही इसे आप गिफ्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो इस तरीके की उड़ने वाली बाइक बेहद कमाल की रहेंगी। नंबर 6, जंप स्टंट शॉर्ट आरसी। दोस्तों बच्चों की रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को आपने अक्सर देखा होगा जिससे कि वो खेला करते हैं, लेकिन ज्यादातर इस तरीके के खिलौने घर में सामान को तोड़ने फोड़ने का काम भी काफी करते हैं, यानी कि वो गाड़ी अगर कहीं टकराती है तो कोई ना कोई चीज टूट सकती है आपकी। तो अगर आप एक ऐसी बच्चों वाली गाड़ी चाहते हैं खेलने के लिए जिससे कि वो कैसे भी इस्तेमाल करें वो किसी भी तरीके का कोई डैमेज ना हो आपके घर में, और अगर कार भी इधर उधर गिर जाए तो कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो उसमें, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की टॉय कार को। दोस्तों इसके व्हील्स में फोम लगा होता है जो कि काफी ज्यादा स्पंजी होता है जिसकी वजह से अगर कहीं टकरा भी जाती है तो कोई भी चीज टूटने का कोई भी डर नहीं रहता है। साथ ही इसे आप किसी भी तरीके से रफ यूज में ले सकते हैं, अगर आप घर में कैसे भी इसे इस्तेमाल करते हैं तब भी इसमें टूटने फूटने का कोई चक्कर नहीं होता, यानी कि अगर आप चाहते हैं एक ऐसी कार जो कि आराम से घर के अंदर इस्तेमाल करी जा सके रिमोट कंट्रोल की मदद से, तो ये गैजेट आपके लिए बेहद कमाल का रहेगा। नंबर 5, टेरासेक्ट रोलिंग लिजार्ड। दोस्तों अगर आप बच्चों को गिफ्ट करना चाहते हैं एक ऐसा खिलौना जो कि थोड़ा सा अलग एकदम लुक में आए, तो ये गैजेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। हालांकि दोस्तों एक तरीके की लिजार्ड होती है ये, लेकिन दोस्तों इसमें आपको रोलिंग के फीचर्स दे रखे होते हैं, यानी कि नॉर्मल आप इसे प्लेन सर्फेस पर तो चला ही सकते हैं, लेकिन अगर बात आती है तो आप इसमें जैसे ही रिमोट की बटन को पुश करते हैं तो ये तुरंत फटाफट रोल हो जाती है जिससे कि ये एक व्हील जैसा मूव करने लगती है। तो काफी कमाल का रहता है ये गैजेट जो कि हो सकता है आपने इससे पहले ना देखा हो, और बच्चों को इस तरीके की चीजें काफी ज्यादा पसंद आती है जिससे कि वो अलग अलग तरीके के गेम्स बनाकर इसे खेल सकते हैं। तो काफी ज्यादा बेहतरीन लगा है ये गैजेट मेरे को, तो आप भी मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। नंबर 4, DJI रोबो मास्टर S1। दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को एक ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो कि उनके अंदर रोबोटिक्स के प्रति उनके लगाव को बढ़ा सके या फिर प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप कर सके, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के रोबोट को। ये एक तरीके का ऐसा रोबोट होता है जो कि फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करता है और इसमें आपको सारे पार्ट्स एकदम अलग अलग तरीके से दे रखे हैं जिसे कि आप अपनी डिजाइन के हिसाब से असेंबल कर सकते हैं। साथ ही इनके व्हील्स को भी कुछ ऐसा बनाया गया है जिससे कि ये अपनी जगह पर ही 360 डिग्री में रोटेट कर सकता है। इसके अलग अलग अटैचमेंट्स को आप अपने हिसाब से अलग अलग यूज भी कर पाएंगे। इसमें आपको प्रोग्रामिंग के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिससे कि आप इसे अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो कमाल का रहता है इस तरीके का एजुकेशनल रोबोट जो कि फिजिक्स के रूल को फॉलो करता है जिससे कि अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स को भी आप इससे प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस ये अवेलेबल कराता है जिसकी वजह से ये हो जाता है एक तरीके का एजुकेशनल रोबोट। नंबर 3, HHT H6 मोटरसाइकिल फोल्डिंग RC ड्रोन। दोस्तों बात हो रही हो टॉय साइकिल की, तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉयज आते हैं जो कि साइकिल के शेप में होते हैं जिनसे कि बच्चे खेल पाए, लेकिन एक ऐसी साइकिल हो सकता है आपने ना देखी हो जो कि एक ड्रोन का भी काम करे। लेकिन दोस्तों ये होती है एक तरीके की ऐसी साइकिल जो कि देखने में तो एकदम सिंपल साइकिल जैसी लगती है जो कि बच्चों के खेलने के काम आएगी, लेकिन दरअसल ये एक ऐसा छोटा सा ड्रोन होता है जिसका इस्तेमाल आप फोटोग्राफी के लिए कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुल के ये एकदम बन जाती है ड्रोन जिसकी मदद से आप ढेर सारी फोटोज वगैरह को क्लिक कर पाएंगे। इसके कंट्रोल से आपको मोबाइल फोन पर देखने को मिलेंगे जिससे कि आप लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं कि इसके कैमरे पर क्या देखा जा रहा है, यानी कि कमाल के फीचर्स आपको ये अवेलेबल कराती है जिसका इस्तेमाल एक छोटे से सिक्योरिटी कैमरा के तौर पर भी किया जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल भी जिसकी मदद से इसे बेसिक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। तो काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स अवेलेबल कराता है ये छोटा सा ड्रोन जो कि होता है एक तरीके का टॉय ड्रोन ही।
नंबर सेकंड, पावर ट्रेड्स ऑल सरफेस व्हीकल। दोस्तों अगर आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहते हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो इस्तेमाल करने में, तो ये चीज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों इसे छोटी सी गाड़ी कहा जाए या फिर क्या कहा जाए ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल बच्चों को एंटरटेन करने के लिए अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इसके साथ आपको इसके ट्रैक्स देखने को मिल जाएंगे जिस पर ये अच्छी तरीके से चल सकता है। साथ ही अगर आप चाहें तो इसे प्लेन सरफेस पर भी चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ट्रैक्स पर इसको चलाना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। इसकी स्पीड भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी जब ये अपने ट्रैक पर चलता है, तो काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है देखने में। और वहीं इसमें अलग अलग तरीके के रोड मैप्स को तैयार करके अलग अलग चीजें आप डिजाइन करके इसके साथ अच्छी तरीके से खेल पाएंगे, तो बच्चों को इस तरीके की चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो अगर आपको भी पसंद आया हो ये छोटा सा टॉय गैजेट तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर वन, फ्लिपो फ्लिप स्किल टॉय। दोस्तों ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है कि टेबल पर अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है जो कि देखने में काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट सी लगती है, तो हम लोग अक्सर उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये एक तरीके का ह्यूमन नेचर है होता है, आपने भी कभी ना कभी इसे फील किया होगा। तो अगर आप एक ऐसा ही टाइम पास चाहते हैं अपनी टेबल पर, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। एक क्वाइन जैसा दिखने वाला ये गैजेट एक स्पेशलाइज शेप के लिए जाना जाता है, जिसे कि जब आप टेबल पर फ्लिप कराते हैं तो ये काफी तेजी से जो है घूमना शुरू कर देगा। साथ ही दोस्तों इसे आप लट्टू की तरह नचा भी सकते हैं, जो कि एक अलग ही मजा होगा इसके साथ खेलने का। तो काफी सारी आप ट्रिक्स दिखा सकते हैं इस छोटे से गैजेट के साथ, तो बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट की प्राइस जाननी हो या फिर अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे जहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।